गाइस आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से इंसर्ट एडजेसेंट एचटीएमएल, इंसर्ट एडजेसेंट एलिमेंट और इंसर्ट एडजेसेंट टेक्स्ट काम करता है। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में, लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे इंसर्ट एडजेसेंट एचटीएमएल टेक्स्ट या एलिमेंट की। क्या चीज़ है ये, क्यों हम लोग इस्तेमाल करना चाहेंगे। देखो यार, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इंसर्शन करने के हमारे पास बहुत सारे मेथड्स होते हैं एचटीएमएल के अंदर। एचटीएमएल डालनी है, एलिमेंट डालना है, या फिर आपको अगर एक वेब पेज को और एनहांस करना है तो उसके बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है। और एक और तरीका इंसर्ट एडजेसेंट एचटीएमएल भी है। इंसर्ट एडजेसेंट एचटीएमएल होता है, इंसर्ट एडजेसेंट टेक्स्ट होता है और इंसर्ट एडजेसेंट एलिमेंट भी होता है। तो देखेंगे एक एक करके सारे के सारे मेथड्स भी। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सबसे पहले एक यहाँ पर बनाता हूँ div, और इस div के अंदर hey I am first कर देता हूँ, और इसमें एक आईडी डालना चाहूँगा और उस आईडी को मैं फर्स्ट कर दूंगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि इसको नई टैब में खोलूँगा और मैं स्क्रिप्ट में लिखूँगा कुछ इस तरह की बात। मैं कहूँगा यहाँ पर इंसर्ट एडजेसेंट एचटीएमएल। अब देखो यहाँ पर, देखो इसने ऑटोमेटिकली मुझे सजेस्ट किया है, ठीक है। मतलब मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ, ठीक है। तो आप देखना, मैं इसको क्या करूँगा, बिफोर एंड करके और इसको क्लास कर देता हूँ यार। अब मैं इसको रिलोड करूंगा तो आप लोग देखना क्या होगा। मैं आपको डॉम दिखाना चाहता हूं क्या होगा। देखो जब भी मैं इंसर्ट एडजेसेंट एचटीएमएल करूं और मैं ये कहूं कि क्या करो आफ्टर सॉरी बिफोर एंड इसको जो है डाल दो, तो बिफोर एंड यहां पर होगा, यानी कि एंड होने के बिफोर यहां पर, यानी कि ये मेरा फर्स्ट टैग है, ये इसका क्लोजिंग टैग है, यहां पर यहां इंसर्ट हो जाएगा। अच्छा अगर मैं इसको आफ्टर एंड कर दूं तो क्या होगा, मैं चारों के चारों आप लोगों करके दिखाता हूं गाइस। अभी के अभी आफ्टर बिफोर बिगिन होता है पहले, ठीक है। बिफोर बिगिन मैं यहाँ पर बिफोर बिगिन पहले दिखाऊंगा आप लोगों को, फिर इसके बाद बिफोर एंड मैंने आपको दिखाया, फिर आफ्टर बिगिन और उसके बाद आफ्टर एंड, ठीक है। बिफोर बिगिन बिफोर एंड, आफ्टर बिगिन आफ्टर एंड, ठीक है। आफ्टर बिगिन आफ्टर एंड, और अब आप लोग देखना यहाँ पर क्या होगा, ठीक है। मैं एक एक करके आपको दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बिफोर एंड दिखाना चाहता हूँ, सॉरी बिफोर एंड मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, बिफोर बिगिन सबसे पहले आप लोग को दिखाऊंगा। बिफोर बिगिन यहाँ पर ये है, ठीक है। बिफोर बिगिन ही दिखाया था मैंने आपको, अब बिफोर एंड आप लोग को दिखाता हूँ क्या होगा, ठीक है। अब आप देखो बिफोर एंड करने से कहाँ पर इंसर्ट होगा, बिफोर एंड करने से ये एक्चुअल में यहाँ पर इंसर्ट हो गया, यानी कि क्लोजिंग टैग के जस्ट ऊपर। और बिफोर बिगिन अगर मैं करूँगा तो क्या होगा, ये यहाँ पर इंसर्ट होगा, कहाँ पर, इस टैग के बाहर, ठीक है, क्योंकि ये बिफोर बिगिन है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग समझ रहे हो ये किस तरह से कहाँ पर इंसर्ट होगा, और क्या आपको ये सब याद रखने की ज़रूरत है कि ये कहाँ पर इंसर्ट होगा। नहीं, आपको बस ये याद रखना है कि ये चीज़ एग्जिस्ट करती है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर आफ्टर बिगिन किया, यानी कि स्टार्ट होने के बाद टैग के अंदर आफ्टर बिगिन यहाँ इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद अगर मैं आफ्टर एंड की बात करूँ तो वो कहाँ पर इंसर्ट होगा, आफ्टर एंड की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा एंड के बाद। अगर मैं इन चारों को अनकमेंट कर दूँ तब आप लोग देखना कि क्या चीज़ कहाँ पर इंसर्ट होगी, और आप लोगों को काफ़ी अच्छी क्लैरिटी मिल जाएगी। देखो ये जहाँ पर हमने इंसर्ट किया वो है, ये बिफोर बिगिन है, ये आफ्टर एंड है, ठीक है। यानी कि बिगिन से भी पहले और ये एंड के भी बाद, ठीक है। और इसके बाद अंदर कौन से वाले हैं, आफ्टर बिगिन और बिफोर एंड, ठीक है। यानी कि बिगिन होने के बाद इंसर्ट कर दो, फिर बिफोर एंड, एंड होने से पहले इंसर्ट कर दो। एंड यहाँ पर हो रहा है लेकिन एंड होने से पहले इंसर्ट करना है, ठीक है यार। इंट्यूटिव है, एकदम इंट्यूटिव है, नाम सुन के पता चलता है क्या करता है ये, ठीक है। अच्छा आई होप क्लियर है सबको, बढ़िया मज़ा आ गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो कि मैंने एक एग्जांपल दिया हुआ है, बिल्कुल सिमिलर एग्जांपल है, इसका आउटपुट आप लोग खुद गैस करने की कोशिश करना, ठीक है। इसको छुपा लेना इस तरह से, अब यहाँ पर गैस करने की कोशिश करो। आपने आंसर देखना, देखा तो नहीं ना, नहीं देखा होगा, चलो कोई बात नहीं। अब अभी यहाँ पर इसको गैस करने की कोशिश करो, इसका आउटपुट क्या होगा। अगर आपने सही से समझ लिया इस चीज़ को, देखो थोड़ा सा भी सोचोगे ना, अगर बिफोर बिगिन यानी बिगिन होने से पहले, आफ्टर बिगिन, बिगिन होने के बाद, ठीक है। तो समझ रहे हो आप लोग, इस टैग का ओपनिंग टैग बिगिन है और जो क्लोजिंग टैग है वो एंड है। अब बिफोर बिगिन करना है, आफ्टर एंड करना है, क्या करना है, ये आपको एकदम इंग्लिश आती है तो समझ में आ रहा होगा। इसका आंसर सब लोग दो, और मैं भी स्क्रॉल कर रहा हूँ,
3-1 स्क्रॉल, ठीक है। और अगर आपने इसका आंसर बिल्कुल सही से प्रेडिक्ट किया होगा तो आप लोग को ये मिलेगा, ठीक है। आई होप कि आप लोग को एकदम क्लैरिटी आ गई होगी अभी। अब नोट रिमूवल के बारे में बात करना चाहूँगा यहाँ पर, कि किसी भी नोट को रिमूव करना है तो क्या करेंगे। डॉट रिमूव एक फंक्शन होता है, बहुत सिंपल सा फंक्शन है, ठीक है। और मैंने शायद बताया नहीं था, बट अगर मैंने कुछ ऐसा कर दिया फर्स्ट डॉट रिमूव, तो फर्स्ट पूरा रिमूव हो जाएगा। मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ कन्फ्यूजन को अवॉइड करने के लिए। मैं रीलोड करूँगा, पेज खाली हो जाएगा, फर्स्ट को रिमूव ही कर दिया मैंने, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पर HTML में झाँकोगे, देखो फर्स्ट था, देखा आपने, फर्स्ट था फिर रिमूव हो गया, ठीक है। जैसे ही जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हुई रिमूव हो गया, पेज रिलोड, फर्स्ट है, फर्स्ट गया। आराम से बात करो, सुनाइए साहब। रिलोड, फर्स्ट है, फर्स्ट गया। रिलोड, फर्स्ट है, फर्स्ट गया, ठीक है। देखा आपने, नहीं कितना, एक फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में चला गया। जावास्क्रिप्ट जैसे एग्जीक्यूट होती है, जावास्क्रिप्ट देखती है लाइन को कि भाई रिमूव करना है एलिमेंट को, ओके रिमूव करो, डॉम में से हटाओ, ठीक है। डॉम से हट जाएगा एलिमेंट। आई होप कि यार क्लैरिटी आ रही है आपको, बढ़िया, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नीचे कमेंट में लिख के बताओ यार, ठीक है। अगर जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट आपने एक्सेस नहीं करी अभी तक, उसको ज़रूर से एक्सेस करें अभी के अभी। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।